गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे दक्ष बेटू आज स्कूल नहीं गए हैं, तो दक्ष के लिए हम करवा रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो मैंने यहीं पे ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। ये ब्लॉग मेरा 4 का है, थोड़ा सा 4 का है, बाकी ये पूरा मेरा 5 का है, शुक्रवार का। फ्रेंड बने रहिए, पूरा ब्लॉग देखना। फ्रेंड इस ब्लॉग में मैंने दिखाया है कि चलती हुई कार में आग लग गई है और पूरा परिवार बच गया है जलने से। तो बहुत ही बड़ी घटना होने से बच गई है फ्रेंड। और आगे देखिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और बने रहिए, ब्लॉग हमारा देखिए। मैंने खुद अपनी आंखों से वो घटना देखी है, आग जलते हुए देखी है फ्रेंड। आगे दिखाऊं, तो मैंने खाना खिला दिया, दक्ष बेटू हमारे बैठे हैं। बेटू एक और खा लो, थोड़ा सा खाना खा लो। तो अब हम दक्ष को मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है और मैंने भी कर लिया था। अब हम दिखाते हैं आपको ब्रोकली और गोभी की सब्जी जो हमने बनाई थी मॉर्निंग में, बेटी गई थी स्कूल तब। ये है ब्रोकली, देखिए ये ब्रोकली, आलू थोड़े से डाले इसमें फ्राई करके, और ये है गोभी। बस कलर चेंज है दोनों का। तो बाबूजी नहीं ले गए टिफिन में, कह रहे मैं ब्रोकली नहीं खाता हूँ, तो मैंने उनके लिए गोभी बनाई है। मुझे तो अच्छी लगी है, मैंने बेटी को टिफिन में रख दी, दक्ष को भी खिला दी। दक्ष ने तो दोनों खाई हैं। इवनिंग में बना रही हूँ चीला सूजी और दही का, जो एकदम सिंपल रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। सूजी दही का नाश्ता हेल्दी और टेस्टी बच्चों के लिए होता है, और दही आजकल रोज़ घर में हो जाता है, तो ये नाश्ता मैं बच्चों को बना के जल्दी जल्दी दे देती हूँ। तो यहाँ पे सूजी और दही को मैंने मिक्स कर लिया है, इसको हम रख देंगे और फिर इसके बाद बेटी आ जाएगी किचन में, कह रही है चलो मेरे साथ बैडमिंटन खेल लो। तो फिर मैं यहाँ पे, और दक्ष आजकल हमारे खाना नहीं खा रहे हैं तो वो कुछ तो खाएंगे, तो मैं उनके लिए आज ये चीला बनाऊंगी। देखो मेरे से कह रही मेरे साथ बैडमिंटन खेलो, ये छोटा बैडमिंटन है और मैं बड़ी बैडमिंटन हूँ, ये छोटी बैडमिंटन है। तो बड़ा है। ओके आप कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, करके देखो, चलो कॉक फेंको, करो यहाँ से एक बार दिखाएं भी तो हम भी खेल लेते हैं। ये लो। सिंक में गई, घर में खेलोगे तो फिर यही होगा, इसलिए हम जा रहे हैं बाहर बैडमिंटन खेलने। निकाल के लाओ सिंक में। हाँ हाँ देखो कैसे कर रही, अब धुलेगी, बर्तन भी धुल देना। कुछ नहीं, कुछ भी क्या, बर्तन भी धुल देना। मैं ये चीला बना रही हूँ, मैं ना बोलूँगा चीला बना रही हूँ। आप क्या बोलोगे? चीला बना रहा हूँ, मैं ना बोलूँगा। आप कुछ नहीं बोलो, ठीक है? आप चीला बना लो, आपको कुछ नहीं पता। मम्मा अब आप इसको पीछोगी? नहीं पीछेंगे, इसको देखेंगे, पीसोगी। सारा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है मिक्सी के जार में, अब हम इसको पीस लेते हैं। मैंने भी तो शैलेंट, आप बहुत बोलते हो, मेरा ब्लॉग चल रहा है ना, बोली मत। गाइस अभी बिना पूछे हम मम्मी से बात, मतलब आपसे बात कर रहे हैं। मम्मी अभी इसलिए शोर सुनाता आ रहा है क्योंकि मम्मी अभी बटर को पीस रही है। आपसे आप अभी आपसे मिलते तो हम पढ़ देंगे, तब तक आप बातें कर लो। देखिए ये खड़े हैं रेसिपी बताने वाले। हेलो हेलो करो, हेलो कैसे हो आप सर? मैं तो सही हूं। अरे आप सब कैसे हो? यू की फैमिली कैसी है पूछो? अच्छे होंगे आप? अच्छे होंगे, हां बेटू को सब पता है, अच्छे होंगे। और बेटा भी अच्छा है, बहुत बातें करता है। मम्मा फूल लगा आगे से। आगे से? हां। अरे वाह, अब ये पकड़ गया होगा। पकड़ गया होगा। हां दूसरी साइड से इसको पकड़ो। अरे साइड से मेरे से नहीं हो रहा ना। अरे मम्मा साइड साइड से, ये गलत नहीं लगता है। गलत नहीं है? हां आ जा, गलना चाहिए इसको। हां वही तो, रुको इसको ना, हो गया ये। हां ये रख उसमें हल्का सा साइड से, है ना? गोल गोल ये देखो कौन किसका है आपका ना? मेरा।
आओ ये तो बहुत बड़ा बनाया है मेरा। मुझे तो मुझे तो अपन तो यार तुझसे भी अच्छे से है ना। मुझे तो सिर्फ बनाया था बहुत अच्छे से सिखाया, हमने तो भी हैवी बनाया थोड़ा था ना। छोटी छोटी बाइट कर ली अपने आप और सॉस से खा रहे हैं हम भी खाए। ये हमारे घर के सामने कॉलोनी के सारे बच्चे आ जाते हैं तो यह खेलने का बहुत ही अच्छी जगह है। हम सामने किचन से देखते रहते हैं और दक्ष और आरू दोनों बच्चे पहुंच गए हैं, शाम को खेल रहे हैं और लाइट भी है इस टाइम। और इस समय बच्चे निकलते हैं गर्मियों में तो एक दूसरे को देख के घर से भागते हैं कि हाँ वो हमें बुला रहे हैं, इनके फ्रेंड बन गए हैं। तो देखिए बच्चे भी खेल रहे हैं, हम गेट से वीडियो बना लिए और सामने देखते भी रहे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, तो आज है शुक्रवार, तो शुक्रवार है तो आज स्कूल ऑफ है, छुट्टी है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में मैं उठ गई हूँ, जब डेली की आदत पड़ जाती है उठने की तो आँख भी उसी टाइम पर खुल जाती है। तो छुट्टी थी तो मैं जल्दी उठ गई थी और उनको तो ऑफिस जाना ही था तो मुझे खाना भी बनाना था, फिर बच्चे सो रहे थे तो यहाँ पे मैं उठी थी और हल्का हल्का उजाला हो गया था तब मैं उठी थी। फिर मैं थोड़ी देर इधर बैठी उधर बैठी, पानी पिया और इधर घूमी, छत पे घूम के आई थी, समझ में नहीं आ रहा था, सब लोग सो रहे थे। तो आज छुट्टी है, शायद आखिरी जुमा है इसीलिए शुक्रवार। तो मैं यहाँ झाड़ू मार के पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा ली थी, फिर मैं किचन में आ गई थी, जो मैंने शाम को बर्तन धुले थे वो सारे बर्तन मैं उनको उनकी जगह पे लगा दूँगी यहाँ पे। और जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक मैं सोच रही हूँ कि जितना काम हो सकता है मैं उतना काम निपटा लूँ। और छुट्टी में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बच्चे सोते रहें तो मैं बच्चों को जल्दी नहीं उठाती हूँ और लाइट भी ऑन नहीं करती हूँ और सोने देती हूँ उनको। जितने टाइम तक वो सोएं तो मैं उनको सोने देती हूँ, उठाती नहीं हूँ। तो शाम को बच्चे लेट सोते हैं और सुबह में उनको स्कूल की वजह से जल्दी उठना पड़ता है तो इसलिए मैं उन्हें मॉर्निंग में नहीं उठाती हूँ। तो फिर आज छुट्टी है तो मुझे नींद नहीं आई थी, मैं जल्दी उठ गई थी और उन्हें ऑफिस भी जाना है। और मैंने पूछा आपकी छुट्टी है तो बोले मेरी छुट्टी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने स्लैब को गैस को अच्छे से फिर से कपड़ा मार लिया है और मैं सोच रही हूँ कि आज मैंने झाड़ू तो लगा ली है, जब तक अगर उठ के आते हैं हस्बैंड तब तक मैं नहा भी लूँ। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, जो मैं सोचती हूँ वो मेरा कभी कभी नहीं होता है और उनका ऑफिस का फिक्स टाइम नहीं है तो वो जल्दी भी निकल जाते हैं, आजकल लेट भी आते हैं और जल्दी निकल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं देखो निकाल रही हूँ दूध, दोनों मैंने निकाल रखे हैं तो इनकी मलाई है वो मैं निकाल के रख दूँगी। तो मलाई को मैंने साइड में रख दिया, निकाल के मैंने रख दिया है और पानी यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दूँगी मैं। तो ऐसी मेरा मॉर्निंग का ये भागम भाग वाला काम मेरा शुरू हो गया है फ्रेंड। तो फुल एनर्जी के साथ मॉर्निंग की शुरुआत आज जो मैंने की है अपने काम को लेके, तो घर बिल्कुल एकदम शांत है क्योंकि बच्चे अभी इधर से उधर नहीं हो रहे हैं, शोर शराबा भी नहीं हो रहा है। तो आज मेरा ये पहनावा देखिए मैंने क्या पहना। कल मैं इसका येलो कलर का सूट पहनी थी इस लेगिंग के ऊपर, लेकिन शाम को ना गर्मी भी होने लगी है तो कुछ लगता है कि ढीला ढीला था, सूट पहन के सो नहीं मिलता है तो टी शर्ट पहन के लगता है कि ढीली ढीली मिल जाए। तो मैंने अपने हस्बैंड की टी शर्ट डाल दी है तो कैसी लग रही है, तो मेरी तरह कौन कौन करता है, तो मुझे अच्छा लगता है उनके ढीले ढीले कपड़े मुझे पहनते हुए। और तो मैंने उनकी टी शर्ट डाल दी और बेटा क्या कह रहा था, मम्मा ये आप पे अच्छी नहीं लग रही है। तो हमने कहा कोई नहीं। तो यहाँ गैस, यहाँ मैंने नीचे भी पानी डाल दिया है और सबको मैंने दूध की मलाई वगैरह निकाल के रख दी है। तो यहाँ पे मैं नमक डाल लूँगी, आज मैं पोछा लगाऊँगी यहाँ पे मॉर्निंग में। तो मैं सोच रही हूँ कुछ नहीं है तो मैं पोछा लगा के नहा लूँ फिर बाद में खाना बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने किचन में भी अच्छे से मैंने पोछा मार लिया था और किचन में पूरे घर में मैंने पोछा मार लिया था इसी तरीके से। लेकिन उसके बाद मुझे नहाने को नहीं मिला, तब तक आ गए तो कह रहे मुझे जल्दी जाना है, तो जल्दी जाना है। तो फिर मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी से अपना पूरा हाथ पैर सब धुले अच्छे से और फिर मैंने खाना बनाया। कोशिश यही थी कि नहा लूँ पहले, लेकिन नहा नहीं पाई थी, जो वो जा रहे थे फिर भूखे जाते सही नहीं लगता है। तो मैंने जल्दी जल्दी उनके लिए दाल चावल बनाए थे फ्रेंड। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पोछा लगा रही हूँ पूरे घर में। और बस यही मैंने आपके साथ शेयर किया है और बने रहिए पूरा ब्लॉग हमारा देखना। और कल वाला जो जो इससे पहले आपको दिखाया है मैंने, दक्ष ब्लॉगिंग कर रहे हैं अपने आप ही, दक्ष खड़े हो जाते हैं
और पता नहीं जो क्या क्या बोलते हैं, और कह रहे मेरे लिए चीला बनाओ, मैं आपको सिखाऊंगा, ये मेरी रेसिपी है, बनाती मैं हूँ, उन्हें ये लगता है कि ये मैंने रेसिपी बताई है, मैं उनसे सीखी हूँ, तो कोई नहीं, बच्चे खुश होते हैं तो अच्छा लगता है। इसी तरीके से मैंने समय पूरे घर में पोछा लगा लिया है। अब ड्राइंग रूम में आ गई हूँ तो बस देखिए, अब मैं ड्राइंग रूम में पोछा लगा लेती हूँ। किचन में आ गई हूँ तो आटा भी मैंने छान के रख लिया, काली दाल भी निकाल के रख ली है और चावल भी निकाल के रख लिए हैं, और हाथ में एक ही साथ भिगोती हूँ, फिर हाथ भिगो लो, फिर आटा निकालो, फिर हाथ भिगो लो, फिर चावल, ये इस तरीके से मैंने तीनों चीज़ें निकाल के रख ली थी। और आज हस्बैंड बोले कि मैं आज दाल चावल खा के जाऊँगा, तो वो दाल चावल आज खा के ऑफिस जाएँगे, टिफिन ले के नहीं जाएँगे। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं नहा लूँ, तो मैंने अपना बस जूड़ा वूड़ा बांधा और बस सीधे आ गई थी किचन में। मैंने कहा मैं बाद में नहा लूँगी, तो बस यहाँ पे ये रोटी है चिड़ियों के लिए, तो ये रोटी मैंने मसल के, दाल भी हमारी बन गई है, तो मैं फटाफट काम निपटा रही हूँ, जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए। बच्चे भी सो रहे हैं, उन दोनों को भी नहलाना है मुझे, और कपड़े भी धुलने हैं। तो ये देखिए चिड़ियाँ ऊपर चहकने लगी हैं, पानी तो हम रखाए थे तो उनके लिए रोटी भी रखाए हैं, और यहाँ पे बस जल्दी जल्दी हम उनके लिए गरम गरम रोटियाँ बना ले रहे हैं, खाना हम लगा दे रहे हैं, तो दाल चावल हमारे बन के रेडी हो गए हैं, और खाना भी हमने उनको खिला दिया था। अब हमारी फूली फूली सी गरम गरम हमने रोटियाँ भी यहाँ पे बना रही हैं। फ्रेंड अब चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा। मैंने खाना भी बना लिया है और मैं नहा भी ली, बच्चों को भी नहला दिया है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। दाल चावल रोटी बनाई थी मैंने, काली दाल बनाई थी, और फ्रेंड अब हम जा रहे हैं काम से, बच्चों के लिए हम कुछ बुक्स वगैरह लेके आएंगे, अब जब लाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे। फ्रेंड अब हम निकल रहे हैं, और बहुत धूप हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी करा, सुबह 5 बजे उठी थी, अब 11 यहीं घर पे ही बज गए हैं, निकलते निकलते 11 बज जाएंगे, और बहुत धूप हो रही है फ्रेंड। चलिए अब हम निकलते हैं, निकल चुके हैं फ्रेंड, और ये है बरेली पीलीभीत वाला रोड, तो देख लीजिए मैं थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई है बरेली का। तो हम जा रहे हैं शॉप पे, बच्चों के स्टेशनरी का कुछ सामान लेंगे, बुक्स वगैरह लेंगे, दिखा तो ज़्यादा नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी थकान हो गई थी मुझे बहुत ज़्यादा से। तो चलिए चल रहे हैं साथ में, आप भी चलिए। और इसमें एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी इसी वीडियो में फ्रेंड। पहली बार मेरी आंखों के सामने दिल दहला देने वाली घटना हुई है, जो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई हैं, ऐसा पहली बार देखी नज़ारा। एक चलती हुई कार में आग लग गई थी, और जब मैं यहाँ से क्रॉस कर रही थी जा रही थी, तो इतनी भीड़ थी यहाँ पर, पुलिस वाले स्टाफ को बुझा रहे थे, ये हमारे जाने से कुछ टाइम पहले ही लगी थी आग। तो देखिए यहाँ पे कितनी लपटें लग रही है, पूरी आग जल चुकी है, वो कार जल चुकी है, और नई गाड़ी निकाली थी, इतना धुआं इसका फैल रहा था, जब हम लगी कैसे तो वो धुआं मतलब पहले ही दिख गया था कि यहाँ पे अचानक हो गया इंजन में लगी है। तो देखिए ऐसा हादसा, ये मैंने पहले कितना टाइम हो गया आपको खरीदे हुए, अब चलती हुई कार में आग लगना, और अपनी आंखों से खुद मैंने देखा है। और जब इसके पास से निकल के गई थी मैं, उस टाइम पूरी जल चुकी थी, पानी से इसको मतलब बंद कर रहे थे, आग को बुझा रहे थे, तो इतनी दहशत मेरे हो गई थी दिल में कि हाँ कि हादसा होने से बच गया फ्रेंड। तो यहाँ पे जैसे तैसे तो इतनी भीड़ में निकल के हम लोग पहुँचे शॉप पे, तो यहाँ पे शॉप हमने वो क्या कहते हैं, हम यहाँ पे बुक्स वगैरह उसकी ले ली थी, और इस बार मैंने थोड़ी लेट उसकी ले पाई थी, जा नहीं पाई थी, गया नीचे कुछ गया। तो यहाँ पे हम
हमने बुक ले ली थी अच्छे से। अब बुक लेने के बाद जब हम वापसी में यहाँ से गए थे, ये घटना हुई है लगभग 11 बजे हुई थी। हम वहाँ से 11:30 बजे निकल रहे थे और जब वापसी में जब हम गए थे तब देखिए आगे कार को साइड में कर दिया है। देखिए जल्दी गाड़ी साइड में रखी, ये वाली कार है। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे फुटन लगने लगा था वहाँ पे। देखिए तो अब दक्ष की लेके आए हैं और ये देखिए इसमें सामान ही सामान है, बुक्स। इसमें भी ये जूते हैं और इसमें दक्ष के हैं, इतना सारा सामान। दक्ष का बैग है। घर पे आ गए, इतना सारा काम बढ़ गया, ये फैला दिए सारे बच्चों ने, बिल्कुल बुक्स कॉपी स्टेशनरी का सारा सामान। अब बहुत हो गया फ्रेंड, अब इस पे सब पे हमें रोल कवर चढ़ाना है और बहुत काम है। अभी हम वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।